अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे छोले भटूरे। थोड़े डिफरेंट तरीके से मैंने बनाए हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे तरीके से बनाएंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने मैदा लिया है 2 कप, चुटकी भर मैंने यहाँ पे लिया है बेकिंग पाउडर और चुटकी भर मैंने यहाँ पे लिया है बेकिंग सोडा। साथ ही में मैंने 2 चम्मच सूजी को थोड़े से पानी में भिगो के रख दिया था। अब इसमें ये सूजी को अच्छे से मलकर इस आटे में ऐड कर दी। आप सूजी ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पर नमक डाला है और अच्छे से इसमें सबको मिक्स कर लेना है। इसी कप से मैंने 1/2 कप इसमें दही डाली है, मतलब 4 चम्मच समझ लीजिए तकरीबन। अब इस दही में हमें ये आटा गूंदना है। अगर नहीं गूंद पा रहे हैं तो थोड़ा सा पानी डालकर हमें अच्छा सॉफ्ट डो तैयार करना है। इसमें नॉर्मल आटे जैसे हम गूंदते हैं ना, वैसा गूंदना है। उसके बाद इसे अच्छे से 1 चम्मच मैंने इसमें तेल लगा के इसे अच्छे से पटक पटक कर अच्छे से मल कर कम से कम 5 से 7 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से गूंदा है। गूंदने के बाद मैंने इसे अच्छे से कम 2 घंटे के लिए रेस्ट दे दिया था। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1/2 घंटे तक तो रेस्ट देना ही इससे ज़रूरी है। देखते हैं हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, आइए हम छोले की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 गिलास भर के पानी लिया है और पानी में 1 चम्मच भर के मैंने चाय पत्ती डाली है। जब अच्छे से उबाल आ जाए तो इसे गैस बंद कर देना है। यहाँ छोले हैं जिसको मैंने रात में भिगो के रख दिए थे। अब छोले में जो हमने पानी बनाया है चाय का वो ऐड करना है और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। कम से कम 6 से 7 सीटी से देनी है। अब मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने 2 से 3 चम्मच भर के तेल डाला है। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी, 5 से 6 काली मिर्च, 2 लौंग और 1 चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है। जब ये तड़क जाए अच्छे से तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक चॉप करके इसमें ऐड की है। और जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए तो इसमें मैंने 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन डाला है। अदरक लहसुन को 5 से 6 मिनट सौटे करना है। सौटे करने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है। अब ये भी डालना है हमें। अगर आपको पानी की रिक्वायरमेंट लग रही है तो थोड़ा सा पानी डाल के इसमें अच्छे से हमें भूनना है। साथ ही में मैंने 2 टमाटर को अच्छे से बारीक चॉप करके इसमें ऐड किया है। आप इसका पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है और जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए जब तक हमें इसे भूनना है। अगर आपको पानी की रिक्वायरमेंट लग रही है तो आप पानी डाल के इसको अच्छे से भूनिए। और 1 चम्मच मैंने छोले मसाले डाले हैं, एवरेज के छोले मसाले हैं। आप कोई भी कंपनी का छोले मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे हमें अच्छे से भूनना है जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। मसाले को भूनते भूनते 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, लगभग मसाला भुन चुका है, तेल आना शुरू हो चुका है इस पर और हमारे छोले भी बहुत अच्छे से यहाँ पे गल चुके हैं। छोले को कम से कम 8 से 10 घंटे तक आप भिगो के रखेंगे तो इसे गलने में बहुत आसानी हो जाती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसे गर्म पानी में कम से कम 2 घंटा तो भिगो के रखना ही है। मसाला अच्छे से भुन चुका है, तरी आ चुकी है इसके ऊपर। चलिए इसमें छोले ऐड कर दीजिए। साथ ही मैंने इमली का पल्प डाला है। अगर इमली का पेस्ट आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह आप 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। खटाई के तौर पे आप कुछ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 हरी मिर्च काट के डाली है, ये ऑप्शनल है। आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। अब इसे ढककर हमें सिलौंज पे पकाना है। यहाँ मेरा डो देखो कितना सॉफ्ट हो चुका है। इसे फिर से मैंने 5 से 6 मिनट तक अच्छे से गूंदा है। यहाँ पर गूंदना बहुत ज़रूरी है तभी हमारे भटूरे अच्छे से फूलेंगे। यहाँ मैंने छोटी सी लोई बना के इसे भी मैंने 5 से 6 मिनट तक अच्छे से रेस्ट दिया था। छोले हमारे हो चुके हैं और यहाँ पे ऊपर कोथमीर ऐड कर दीजिए। चलिए अब ये पूड़ी के तौर पे हमें बेलना है, जैसे हम पूड़ी बेलते हैं ना वैसे ही हमें बेलना है। और अच्छे तेज़ तेल में हमें डालना, तेल एकदम हाई एकदम तेज़ ज़्यादा गर्म होना चाहिए। उसमें डालिए, देखिए फौरन ऐसे करेंगे तो कितने अच्छे फूल रहे हैं हमारे भटूरे। इसी तरह मैंने सारे भटूरे फ्राई कर लिए हैं।
आप गरम तेल में भटूरे डालेंगे ना, वैसे इसमें चम्मच ऊपर से ऐसे करते रहना तो अच्छे से भटूरे हमारे फूल जाएंगे। संडे स्पेशल मैंने ये छोले भटूरे बनाए थे, बहुत ही अच्छे बने थे। फ्रेंड्स आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरे तरीके से बना के देखिए, आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे खा के। आइए सर्व करते हैं छोले और भटूरे, साथ में आप इसके प्याज भी खा सकते हैं, अचार खा सकते हैं। अचार के साथ भी छोले भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं। फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरे तरीके से बना के देखिए इंशाल्लाह।